नमस्कार दोस्तों, हेलो वन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमार ट्यूब। और आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि धनी एप्लीकेशन आपके साथ किस तरह से फ्रॉड कर रहा है, कैसे आपके साथ स्कैम कर रहा है धनी एप्लीकेशन। अगर आपने कोई क्रेडिट आपने धनी से लिया है और आपने उस क्रेडिट को विश करके कोई भी प्रोडक्ट धनी एप्लीकेशन से, धनी स्टोर से आपने ख़रीदा है, तो उसमें आपके साथ किस तरह से स्कैम हो सकता है, तो आप इस वीडियो में सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप ना करें, बने रहे वीडियो की अंत तक। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ महीना पहले जो मैंने एक धनी एप्लीकेशन से, धनी स्टोर से मैंने एक प्रोडक्ट की ऑर्डर किया था, धोनी से जो मुझे क्रेडिट मिला था उसको उस करके मैंने उसको ख़रीदा था। तो धोनी वाला धनी स्टोर से मुझे क्या किया गया था कि धोनी स्टोर से मुझे उस प्रोडक्ट को DTDC कुरियर के जरिए भेज दिया गया। और DTDC कुरियर वाला क्या किया, तो उसने डिलीवरी तो दिया नहीं, मैंने उसको पिकअप करने के लिए गया। मैंने पहले वाला वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि इसके बारे में, और वही प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूँ कि उसके साथ क्या हुआ था। वो प्रोडक्ट डिलीवरी तो दिया नहीं, फिर मैंने वहाँ से जो पिकअप करने गया मुझे मिला नहीं, आपको मैंने पहले भी बताया ये बात। और उसी में मेरा ये ऐसा हो गया, मुझे पता नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, ये धोनी वाला इस तरह से स्कैम कर सकता है आप लोगों के साथ, हम जैसे सबके साथ। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो वीडियो को रिकॉर्ड करने का मतलब यही है कि आपके साथ ऐसा ना हो, और उससे पहले ही आप सतर्क हो जाए। तो मैं इसीलिए मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ कि धोनी वाला क्या क्या, वो प्रोडक्ट जैसे मैंने ऑर्डर किया तो वो धोनी वाला वो DTDC कुरियर के जरिए भेजा, और DTDC वाले मुझे वो डिलीवरी नॉट सर्विसेबल, मैंने सर्विस नॉट अवेलेबल बोल के ऐसा कुछ मैसेज दे के जो है उस वीडियो वहाँ से जो उस पार्सल को एक महीना बाद उसको रिटर्न किया। और उसके पहुँचते पहुँचते एक महीना आने में इधर लग गया, और वहाँ से रिटर्न होने में एक महीना, दो महीना ऐसे चला गया। और वो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा था धोनी से, जो मुझे क्रेडिट मिला उस क्रेडिट को विश करके, उस क्रेडिट को मैंने उस 3 मंथ EMI की उस हिसाब से मैंने उसको परचेस किया। लेकिन वो धोनी वाला तो लेट कर दिया, फिर नेक्स्ट डे जब उसको पेमेंट देना था तो मैंने तो नेक्स्ट डे ही उसको पेमेंट कर दिया, लेकिन DTDC वाला मुझे डिलीवरी नहीं दे पाया। और मैंने खुद भी पिकअप करने के लिए गया उसके हेड ऑफिस में, सिलीगुड़ी ब्रांच में, लेकिन वहाँ से भी मुझे वो पार्सल नहीं मिला, वो मिसिंग बता रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर वो लोग रिटर्न कर दिया, रिटर्न करने के बाद तो को 3 महीना जैसे बीत गया, फिर एक महीना जो नेक्स्ट मंथ में उसका EMI ड्यू डेट जब आएगा तो उसको पेमेंट करना भी होता है, तो वो लोग मुझे वहाँ से जो धोनी की तरफ से मुझे कॉल आना शुरू हो गया कि आपका ड्यू है, ये है, इतना है ड्यू है, आपको पे करना पड़ेगा। फिर मैंने क्लियर उन लोग को बता दिया कि भाई देखो, मुझे कोई पार्सल अभी तक रिसीव नहीं हुआ, और मैंने पहला EMI मैंने पे कर दिया टाइम से, और मेरा जो नेक्स्ट ये वाला जो EMI है एक महीना बाद में जो देना होता है धोनी का, तो मैंने बता दिया क्लियर कि मेरे पास कोई पार्सल नहीं आया, और मैं इसका कोई भी पे आपको नहीं कर पाऊँगा, मैं आपको नहीं करना है, मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि पार्सल मुझे मिला नहीं। और मैंने पहले तो एक EMI पे कर दिया, फिर दूसरा आपको बोल रहा है कि पे कर दो, और पार्सल तो मेरे पास है नहीं, पार्सल तो DTDC कुरियर के पास पड़ा हुआ है, तो उसको पकड़ो, वो आपको दे देगा पैसा, वहाँ से ले लो, ऐसा मैंने बताया। फिर वो लोग क्या क्या कि फिर नेक्स्ट मंथ एक महीना चला गया, उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर से कॉल आना शुरू हो गया, जैसे EMI ड्यू डेट एक दिन निकल जाता तो फ़ोन आना चालू हो जाता है। फिर मैंने उनको फिर से वही बात बताया, फिर वो लोग क्या किया कि मैंने कंप्लेन कर दिया, अब आपका जो है 48 घंटे के अंदर आपका जो आपने
पे किया था उसका आपको रिफंड आपके अकाउंट में मिल जाएगा, और आपका जो है ये रिटर्न जैसे आप हम लोग के पास आ जाता है तो हम लोग वहाँ से आपको जो है रिफंड कर देंगे, ऐसा कुछ बता रहा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो आप लोग करा दीजिए जैसे हो, जैसे आपके पास वो पार्सल पहुँच जाए और आप उसको मुझे रिफ़ंड कर दीजिए। मैंने टाइम दिया, बहुत टाइम दिया, 3 महीना से मैंने उस पार्सल के पीछे मेरा मैंने लगा हुआ था। मैंने बहुत जगह कॉल भी किया लेकिन वो पार्सल मुझे तो मिला नहीं। फिर धोनी वाला क्या क्या, धोनी स्टोर से जो क्रेडिट उसका जो विश किया था मैंने, तो वो धोनी स्टोर वाला वहाँ से मेरा जो सिविल है वहाँ पे मेरा उसमें जितना का क्रेडिट मिला था मुझे वो पूरा, जितना विश भी नहीं किया उतना मैंने वो पूरा उसमें जो है सिविल में दिखा दिया कि ये आपका इतना ड्यू है और आपको जो पेनल्टी लग के इतना हो गया, ऐसा कुछ दिखा रहा था। तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने वहाँ से कस्टमर किया, मैं बहुत हर दो दिन चार दिन एक हफ्ता बाद मैंने कॉल करना शुरू किया। फिर वो लोग जो है 24 घंटा 48 घंटा टाइम दे रहा था, जितने बार मैंने कॉल किया वो लोग बता रहे कि 48 आवर्स आपको लगेगा ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में। और मैंने आपका जो है रिक्वेस्ट आपका जो है उसमें सब मैंने ऑफिस में वहाँ पे जो कॉम्प्लेन जनरेट होता है वहाँ से वो लोग जो है कर दिया, कैसे क्या को मुझे तो पता नहीं। फिर मेरा तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। मैं 10 से 15 बार एक हफ्ता बाद मैंने इतना बार फ़ोन किया फिर भी वो लोग जो है टाइम ही दे रहा है, टाइम देते 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 लास्ट में मेरा जो है, और वो पार्सल वो लोग पहले क्या बताया था कि वो आपका जो पार्सल है जैसे हम लोग को रिसीव होता है तो आपका जो है 7 दिन के अंदर वो आपका रिफंड हो जाएगा। लेकिन 7 दिन 1 महीना बीत गया लेकिन वो लोग मेरा ना पैसा रिफंड कर रहा है ना ही मुझे कोई पार्सल मिल रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है। मैं चुपचाप मैंने ऐसे जैसे है कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा कुछ हो रहा था। फिर मैंने फ़ोन कर ही रहा था, फिर 48 आवर्स वो लोग 48 घंटा टाइम दे रहा था। ऐसे करते करते 1 महीना और बीत गया। फिर मैंने एक दिन अचानक से मुझे पता चला कि मैंने मेरा जो है सिविल में ये लोग दिखा दिया कि मेरा इतना ड्यू है। फिर मैंने क्या किया, कंज्यूमर हेल्पलाइन मॉल के एक ऑनलाइन में कंप्लेंट कर सकता हूँ, अब ऐसा कुछ एक वेबसाइट है उस एड्रेस से उसने जितना सारा डिटेल है सब डिटेल उसमें मैंने भर दिया और मैंने उस कंपनी के नाम से धनी स्टोर के नाम से धनी का जो क्रेडिट दे रहा था उन लोगों के नाम से मैंने एक कंप्लेंट दे दिया गवर्नमेंट वेबसाइट में। फिर एक हफ्ता बाद जब मैंने कस्टमर केयर में बात किया तो वो लोग बताए कि आपका जो है मैंने फिर से उसको रिक्वेस्ट भेज दिया है ताकि आपका जो है रिफंड जल्दी से मिल जाए आपको, 48 घंटा में आपका जो है ये रिफंड हो जाएगा। फिर जाके कंप्लेंट करने के बाद ये कंप्लेंट शायद वो लोग को मिल गया होगा, इसलिए 4 महीना बाद मुझे रिफंड मिला, वो भी पूरा नहीं मिला। जितना का मैंने पेमेंट किया था उतना मुझे तो मिला नहीं और उल्टा मुझे और अभी भी उसमें ड्यू दिखा रहा है। धनी एप्लीकेशन में जैसे मैं ओपन करता हूँ तो उसमें अभी भी ड्यू दिखा रहा है और जितना का मुझे क्रेडिट हर रोज़ विश करने के लिए मिल रहा था वो भी अभी वो लोग जो वहाँ से हटा दिया, लोग अभी ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने धोनी एप्लीकेशन को वहाँ से हटा दिया और मेरा क्रेडिट तो मैंने विश नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मेरा जो रिफंड मिला है वहाँ पे मैंने उसको भी विड्रॉ अभी तक नहीं किया तो वहाँ से ऐसे छोड़ दिया। और अभी भी मेरा जो है फर्स्ट ईमीआई में मैंने जितना पे किया वो भी अगर मैं वहाँ पे दे दूँ वो लोग को ड्यू पूरा करने के लिए मैं अगर पे करता हूँ वहाँ से भी तो मुझे वहाँ से भी पूरा नहीं हो पाएगा, आप सोचिए। दोस्तों मुझे बस इस वीडियो के ज़रिए आपको इतना ही बताना था कि आप धनी जैसे और कोई भी कंपनी से इस तरह के छोटे छोटे क्रेडिट लाइन देने वाले कंपनी से जितना हो सके बचे रहे और ऐसे छोटे मोटे क्रेडिट देने वाला कंपनी से कोई भी क्रेडिट
ना ले। तो बस आज का वीडियो इतना ही था, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाले वीडियो कोई भी वीडियो सबसे पहले आप देख सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज का वीडियो होता है ये पे समाप्त। नमस्कार।